नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपको बता दूं, जीके का पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूं। ये जीके के 1000 प्रश्न जो हम आपको लाने वाले हैं उसका ये पार्ट टू है। आपने बहुत पढ़ लिया, एग्जाम सिर पर आ गए हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे आंसर दीजिए, देखते हैं किसका कितने आंसर सही जाते हैं। चलिए तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पता है 4 लाइव क्लास चलती हैं, सुबह 6 बजे से जनरल अवेयरनेस की, 1 बजे से करंट अफेयर्स की, 7 बजे से सामान्य विज्ञान की, और रात के 10 बजे वन लाइनर की क्लास चलती है। ये क्लासेस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पर हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो सवाना घास के मैदान आपके हैं अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? सही आंसर है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उत्तर कोरिया के शासक का नाम, उत्तर कोरिया के शासक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तुरंत बताएं, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है सभी को पता होना चाहिए, पारणी ने लिखी है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट आपका जो बना होता है वो होता है टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन बार बार जो 20 साल से रिपीटेड हो रहे हैं वो लेके आए हैं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई और किसके संरक्षण में हुई? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं 20 साल से, देखिए आपसे पूरे बन रहे हैं या नहीं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका सही आंसर है 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन ये रहा, अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो सबसे पहली जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो हुई थी 1883 BC में, राजगृह में और अजात शत्रु के टाइम पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सभी को आंख बंद करके पता होगा, उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सरप्राइज क्वेश्चन, आप बताइए मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट कर दीजिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तुरंत कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका कुंडा ग्राम वैशाली, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध काउंसिल कहाँ, कब और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी कहाँ पर हुई थी? चौथी हुई थी आपकी 98 AD में, कुंडलवन कश्मीर, और कनिष्क, हमारे महान शासक कनिष्क, जिन्होंने अफगानिस्तान तक के और आगे तक के एरिया को सबसे ज़्यादा एरिया पर राज किया था कनिष्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन में। चलिए आप लोग ये बताइए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तुरंत अभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति जो इस्तीफा देगा तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आप ये बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो तो फिर उसका, राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है, किस पर जिम्मेदारी रहती है, ये बताइए कमेंट करके, तुरंत कमेंट करें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों यदि पद पर ना हो तो कार्यभार किसके हाथ में रहता है, कौन संभालता है? अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? सही आंसर क्या है? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बताइए कितने परसेंट पर है। सही आंसर है 19%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है नैनीताल के पास, उत्तराखंड। आप ये बताइए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? यदि आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, जल्दी बताइए कमेंट करके। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, ये बताइए। ये पूरे जो शब्द हैं किस खेल से संबंधित है, उसका सही आंसर क्या है? गोल्फ।
ये सभी खेल गोल शब्द गोल गोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, सही आंसर है 23.5 डिग्री। बच्चे बच्चे को याद होगा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये क्वेश्चन है आज का। इसका सही आंसर है आपका सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास होती है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ऋतु संहार, कुमार संभवन, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों रचनाएं आपकी कालिदास की हैं, कालिदास की हैं, याद रखिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में हैं और किस जगह पर हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सभी कमेंट करके बताएंगे आप भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तुरंत अभी के अभी कमेंट करिए, बाद में भूल जाएंगे, तुरंत कमेंट करिए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं, तो किसने बनवाए हैं, सभी को पता है चंदेल वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो घाना पक्षी विहार आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, किसकी जीवनी है, मेरा संघर्ष ये जीवनी है एडोल्फ हिटलर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है, कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चे बच्चे को पता है असम का काजीरंगा। आप ये बताइए सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है उसका नाम क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में उसका नाम क्या है, वह किस नदी पर है, सभी तुरंत अभी के अभी कमेंट करें, इंटेलिजेंट बच्चे सभी कमेंट करेंगे, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है और उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है कमेंट करके, तो उसका सही आंसर है प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था, तो तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल किया गया आपका 1928 के हॉलैंड के ओलंपिक में एम्स्टर्डम में, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, सभी को पता है शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सभी को रटा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेशनल एनिमल ऑस्ट्रेलिया क्या है, बताइए ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो एनसीसी की स्थापना आपकी हुई थी 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जल्दी बताइए अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये क्वेश्चन है आपका सरोद बजाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग या गरसोप्पा जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चार क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए एक से, सबसे पहले कौन सा है, तो जोग गरसोप्पा कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। ये चार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए हैं आपके। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है ये बताना आपको, तो 38,500 किलोमीटर, ठीक है याद रखिए 38,500 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। वेटिकन सिटी कहां पर है, आप ही बताइए वेटिकन सिटी किस महाद्वीप पर है, वेटिकन सिटी किस महाद्वीप पर है ये आपको बताना है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है, तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है, कर्नाटक में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, 1.3 सेकंड लगते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो सभी को पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। आप ये बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तुरंत कमेंट करिए। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी को पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, सभी कमेंट करके बताएं, तुरंत करें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में कितनी मात्रा होती है, 0.03%, जो कि अभी बढ़ते जा रही है, जिसपे हमें कंट्रोल करना है। ग्लोबल वार्मिंग सभी ने सुना होगा, दिक्कतें आ रही हैं, इसको कंट्रोल करना है, नहीं तो बर्फ जो ग्लेशियर है उनकी बर्फ पिघल के जलस्तर बढ़ रहा है और उससे असमानता आ रही है, प्रकृति में असमानता आ रही है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है ये बताइए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तो सही आंसर क्या है, सोनपुर बिहार में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। बिहार की राजधानी क्या है और वह किस नदी के किनारे है, बिहार की राजधानी क्या है और राजधानी के किनारे से कौन सी नदी बहती है, सभी को पता होगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो सही आंसर है बौद्ध धर्म और लिखे गए हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है ये बताना है आपको, तो सही आंसर है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन रेलवे में इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोंकण बोलते हैं समुद्री तट को, कोंकण रेलवे भी चलती है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें छोटे कितने द्वीप हैं, आपको पता है क्या किसी को, उसमें हैं 324 द्वीप हैं छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन से वे दो शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दो शब्द थे जो जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामर झील किस जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, सामर झील किस राज्य में है ये आपको बताना है, तो राजस्थान में है सामर झील, याद रखिएगा सामर झील राजस्थान में है। राजस्थान की आपको बताना है, राजस्थान के CM और राज्यपाल के नाम बताइए, राजस्थान के CM और राज्यपाल का नाम तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तुरंत बताएं, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे कोई भी। गुलाम वंश का कौन सा शासक चोगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, किसको गुलाम वंश का शासक था जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा क्या बनवाया था, कोई एक उसका स्थापत्य बताइए, कोई एक चीज जो उसने बनवाई हो उसका नाम बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तुरंत कमेंट करें। गीत गोविंद किसने लिखी है आपकी, गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव द्वारा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो सभी को पता है विकिरण इसका सही आंसर है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसका तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, एक सी रोशनी क्यों नहीं आती तारे की, टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, DNA का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो इसका सही आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, बच्चों को पता होना चाहिए, ये सब रट लीजिएगा कि कौन सी किसकी तीव्रता किसमें मापी जाती है, सभी आपको रटना है। सही आंसर इसका डेसीबल में मापी जाती है, बहुत बढ़िया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आपका एपिकल्चर, चलिए एपिकल्चर आपने बता दिया, मधुमक्खी पालन कहलाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मत्स्य पालन क्या कहलाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे एक साथ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है कोई भी, अभी तुरंत कमेंट करिए नहीं तो आप अगले क्वेश्चन में ध्यान लगा लेंगे, तुरंत कमेंट करिए मत्स्य पालन क्या कहलाता है। रिएक्टर मापने द्वारा क्या मापा जाता है,
रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, आंसर देख लीजिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। याद रखिएगा, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक है भूपटल पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं या सांध का तारा बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं, सभी को रटा होना चाहिए, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे बनता है? पीओपी किससे बनता है ये आपको बताना है। तो जिप्सम से बनता है पीओपी। किससे बनता है? जिप्सम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गलफड़ों की सहायता से। गलफड़े इसका सही आंसर है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 20 साल से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये रटे होने चाहिए। कोई आपको सपने में भी उठा के पूछ ले तो आपसे बनने चाहिए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा से निकाली जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, माफ कीजिएगा, महाद्वीप नहीं पूछा गया है, महाद्वीप कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। बच्चे बच्चे को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड मतलब आइलैंड, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा महाद्वीप आप कमेंट करके बता दीजिए, बच्चे बच्चे को पता होगा ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है, कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन था भैया? नादिर शाह ले गया था, कोहिनूर हीरा भी ले गया था और मयूर सिंहासन भी ले गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला किस प्रदेश में है? अरावली पर्वतमाला किस प्रदेश में फैली हुई है? अभी के अभी कमेंट करें, जिसको भी पता है, जिसको नहीं पता है वो भी कोशिश करें कमेंट करके बताने की कि अरावली पर्वतमाला कहाँ फैली हुई, किस प्रदेश में। तुरंत कमेंट करिए, आप बाद में भूल जाएंगे, तुरंत अभी कमेंट कर दीजिए, 1 सेकंड लगे कमेंट करने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत जल है? तो इसका सही आंसर है 71% लगभग जल है, 29% पे हम लोग रहते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक। तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपको आता है ना तो अपना ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तुरंत कमेंट करें। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भैया गैस लीकेज हो रही है, गैस लीक हो रही है? तो इथाइल मार्केप्टेन किसी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा कटा हुआ है, यहां लिखा है वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? आधा क्वेश्चन इधर लिखा है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला पृष्ठ सभी को पता है होम पेज कहलाता है। रेलवे कंप्यूटर भी पूछ रहा है, एनटीपीसी जेई ग्रुप डी लेवल 1 एएलपी में कंप्यूटर भी आएगा, और जो 2018 में हुए थे उनमें भी कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ना है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है आपकी 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो एकमात्र ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सूर्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला पृथ्वी से दिखाई देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर मंडल की आयु कितनी होती है? तो सौर मंडल की आयु आपकी होती है 4.6 अरब वर्ष है सौर मंडल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद भी दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद भी दिखाई देने वाला पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यह है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जो भी आपका हार्डवेयर होता है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे ही आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। कमेंट करके बताइए आप कि मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तुरंत अभी कमेंट करिए फटाफट, मॉनिटर क्या है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कोई भी आलस नहीं खाएगा, तुरंत कमेंट करिए इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तुरंत। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो सभी को पता है रेडॉन गैस जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में आपका पाया जाता है थोरियम, याद रखिएगा थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, थायराइड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली, व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट था, स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने किसके प्रयासों से लागू किया गया था? ठीक है, देखिए लड़े कौन थे, लड़े थे राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कानून को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनन ने नवंबर 1858 में कहाँ युद्ध दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? क्राउन के शासन की घोषणा कब की हुई थी? तो इलाहाबाद में आयुध दरबार में की थी क्राउन के शासन की घोषणा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सभी को पता है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ जीके के और पार्ट चाहिए या नहीं? यदि और पार्ट चाहिए मैं आपके कम से कम 10,000 क्वेश्चन जीके करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैं, आप प्लीज़ शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुरंत के तुरंत लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, प्लीज़ दोस्तों तक पहुंचाएं, तो मैं आपको बहुत सारे जीके के वन लाइनर लाऊंगा जिससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा। और मैं इतनी जल्दी पढ़ाता हूं ना कि आपको रिवाइज करने में, ये कैप्सूल जल्दी जल्दी रिवाइज करने में आपकी मदद करेगा, कोई और चैनल पर आपको इतनी जल्दी नहीं पढ़ाएगा। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने में आपका कम समय जाएगा यूट्यूब पर। तो प्लीज़ एक ही चीज़ चाहता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो चाहिए या नहीं कमेंट करके बताएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारे इस मेहनत के लिए कुछ नहीं मांगता हूं मैं, केवल एक शेयर मांगता हूं, प्लीज शेयर जरूर करें, प्लीज 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 बच्चों शेयर जरूर करना, प्लीज शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, ऐसे ही जीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।